हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब का चैनल मिस्टर बॉट। फ्रेंड्स, आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं क्रूशल की एक एसएसडी की, जो कि है MX500 500 GB की। देखते हैं कि फ्रेंड्स इसकी अनबॉक्सिंग कैसी है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, MX500 और BX500 में क्या क्या डिफरेंस है, आपको जो है फ्रेंड्स ये एसएसडी लेनी चाहिए या नहीं, ये सारे के सारे डाउट्स जो है आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। पहले आप सभी को इसके पैकेट के ऊपर जो है एक सील देखने को मिलेगी, आपको इसकी सील को जो है ब्रेक करना है। तो चलिए इसकी सील को हम फटाफट कट कर लेते हैं और इसको जब हम ओपन करते हैं तो अंदर से जो है देखिए हमें ये एसएसडी जो है देखने को मिलती है इस केस के अंदर। तो चलिए इसको भी ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद जो है फ्रेंड्स आप सभी को इसके अंदर एक ट्रे देखने को मिलती है एसएसडी की, साथ में आपको कुछ यूजर मैनुअल्स देखने को मिलते हैं और फाइनली जो है फ्रेंड्स आप सभी को ये एसएसडी जो है देखने को मिलती है और ये बहुत ज्यादा लाइट वेटेड है। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड्स इस एसएसडी की परफॉर्मेंस की। इस एसएसडी में आपको परफॉर्मेंस जो है कैसी देखने को यहाँ पे आपको मिल जाती है। तो देखिये फ्रेंड्स, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग कि आप जो है अगर हार्ड डिस्क को इस्तेमाल करते हैं तो आपके एक लैपटॉप को या आपके डेस्कटॉप को लगभग एक मिनट तो फ्रेंड्स लग ही जाता होगा उसको ऑन करने में। मेरे केस में भी यही था, लेकिन जब से मैंने इस एसएसडी को इंस्टॉल किया है, इसमें विंडोज 10 को इंस्टॉल किया है, और तब से जो है फ्रेंड्स 15 से 20 सेकंड में मेरा कंप्यूटर जो है बूटअप हो जाता है। किसी भी एप्लीकेशन को मैं इंस्टॉल करता हूँ फटाफट इंस्टॉल हो जाता है, और प्लस किसी भी एप्लीकेशन को मैं रन करता हूँ तो फटाफट जो है रन भी हो जाती है। तो इतना फर्क तो मेरे को यहाँ पे देखने को मिला। लेकिन फ्रेंड्स इतना ही काम तो BX500 सीरीज में भी हो जाता है, तो हमें फालतू पैसे यहाँ पे MX500 में लगाने की क्या जरूरत है। तो देखिए फ्रेंड्स, BX500 में आपको जो है DRAM देखने को नहीं मिलती है, लेकिन आपको MX500 में DRAM देखने को मिलती है। DRAM less और DRAM का क्या फायदा होता है, इसके लिए आप जो है दूसरी वीडियो देख लीजिएगा। अब यहाँ पे मैं फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ चीजें जो है आपको 500 के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है BX500 से MX500 के अंदर, कि आपको जो है BX500 में पैसा ना इन्वेस्ट करके MX500 में पैसे को अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको क्या क्या फायदा जो है देखने को मिलेगा, तो चलिए इस बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं BX500 के अंदर आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलती है और क्या क्या चीजें देखने को नहीं मिलती है। तो BX500 जो है फ्रेंड्स एक TLC SSD है। TLC का फुल फॉर्म हो गया ट्रिपल लेवल सेल। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, एक सेल के अंदर जो है आप सभी 3 बिट को जो है स्टोर करके रख सकते हैं, मतलब ये कि आप कम जगह में ज्यादा स्पेस जो है ले सकते हैं। फ्रेंड्स इसका ड्रॉबैक ये होता है कि इसकी लाइफ जो है थोड़ी सी कम होती है, और तभी आपको जो है इसके अंदर जो है गारंटी भी जो है कम देखने को मिलती है। MX500 में आपको जो है 5 साल की गारंटी देखने को मिलती है और BX500 में आपको 3 साल की गारंटी देखने को मिलती है। दूसरी चीज ये है कि फ्रेंड्स इसके अंदर आपको जो है DRAM देखने को नहीं मिलती है और MX500 में आपको DRAM देखने को मिलती है। अब यहाँ पे एक छोटा सा एडवांटेज MX500 सीरीज से BX500 सीरीज में ये है कि यहाँ पे जो है फ्रेंड्स रीडिंग परफॉर्मेंस ज्यादा है, लेकिन MX में आपको जो है राइटिंग परफॉर्मेंस जो है ज्यादा देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे ये परफॉर्मेंस का कोई बहुत बड़ा गैप नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा गैप है जो कि फ्रेंड्स मायने रखता है, जो कि मेरा फर्ज था आप सभी को बताना, इसलिए मैंने जो है यहाँ पे आपको बता दिया है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स MX500 की। इसके अंदर सबसे पहले तो फ्रेंड्स आप सभी को DRAM कैश देखने को मिलती है, जिससे कि आपकी SSD की परफॉर्मेंस जो है फ्रेंड्स स्टेबल रहती है। ठीक है, आपको ज्यादा फ्लक्चुएशन जो है यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। फ्लक्चुएशन बहुत नामात्र होता है, लेकिन जो है फ्रेंड्स BX500 में फ्लक्चुएशन जो है आप सभी को ज्यादा देखने को मिल जाता है। MX500 जो है फ्रेंड्स ये जो सीरीज है, ये सीरीज जो है फ्रेंड्स माइक्रोन 64 लेयर 3D TLC NAND टेक्नोलॉजी जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। अब इसका एडवांटेज क्या क्या है, तो सबसे पहली तो बात फ्रेंड्स इसके अंदर स्मार्ट पावर मैनेजमेंट आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, दूसरी बात यह कि जब से आप इसके अंदर वर्क करते हैं तो फ्रेंड्स फॉर एग्जांपल जैसे आप नॉर्मल रूटीन वर्क कर रहे हैं उसमें तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे आप AR पे वर्क कर रहे हैं, 3D मॉडलिंग कर रहे हैं, या गेमिंग वगैरह कर रहे हैं, कोई भी करेक्टर वगैरह, यानी कोई भी ऐसा काम जहां पे आप क्रिएटिविटी का काम कर रहे हैं, जहां पे हैवी एप्लीकेशंस, हैवी टास्क आपको करना पड़ता है, तो वो सारे टास्क जो है आप सभी MX500 के अंदर बहुत ही ज्यादा इजिली जो है कर लेंगे। ये सारे फायदे जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी होती है जो AR को सपोर्ट करती है, तो वो भी जो है आप सभी अगर AR एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं तो फ्रेंड्स ये SSD जो है MX500 सीरीज की जो है ये आप सभी के लिए ही है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसकी प्राइस की।
तो देखिए फ्रेंड्स, प्राइस में इतना डिफरेंस है। MX 500 500 GB जो है लगभग आपको जो है ये लगा लीजिए 4000 से लेस लेस में जो है आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर मैं बात करूं MX 500 की, तो ये आपको 4600 से लेके आपको 7200 के बीच में जो है देखने को मिलेगी। अब मैं बात करता हूं कि ये मैंने जो है ये SSD कितने में परचेज करी। तो फ्रेंड्स, ये SSD मैंने लगभग जो है 5500 में जो है परचेज किया है लोकल मार्केट से। तो आप सभी भी इस SSD को जो है परचेज कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी SSD है, इस SSD को आप इस्तेमाल करके अपना टाइम भी बचा सकते हैं, वो प्लस ही जो है आप सभी को एक एडिशनल बूस्ट जो है आपके कंप्यूटर या आपके लैपटॉप में जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर अभी भी आप सभी को कोई भी क्वेरी है, तो नीचे कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए बिल्कुल ओपन है। आप सभी कमेंट कीजिए, वीडियोस जो है आप सभी को टाइम पे रेगुलर जो है मिलते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।